सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। एमएसपी आज देश के किसानों की बहुत जरूरत है। मेरे सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि वो शांति बना के रखे। सीधी सीधी बात है कि इसमें कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें सीधा सीधा देश के किसानों को एमएसपी देने की आवश्यकता है। जितनी भी पूर्व की सरकारें हैं वो सब इसमें सम्मिलित रही हैं और वर्तमान में जो अभी 10 साल की सरकार है उनको भी इस बारे में सोचकर इस पर जरूर जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए। जब पहली वार्ता हुई तो अब तक क्यों नहीं बनाया गया? जिस तरीके से पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया वो नहीं होना चाहिए था। और सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। एमएसपी आज देश के किसानों की बहुत जरूरत है और एमएसपी अगर नहीं मिलेगा तो देश की किसानी बर्बाद हो जाएगी। तो सरकार को एक बार फिर वार्ता करके इस मामले को सुलझाना चाहिए और मेरे सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि वो शांति बना के रखे। किसी भी समस्या का समाधान शांति से और वार्ता से ही निकलेगा। और साथ ही साथ मैं ये संगठन जितने भी कर रहे हैं इनसे एक अनुरोध हो रहा है कि कभी भी कोई कॉल दी जाए तो सबसे चर्चा करने के बाद ही दी जाए, क्योंकि बहुत सारे संगठनों को खापों को इसकी जानकारी नहीं दी गई या इसके बारे में नहीं बताया गया। तो सबसे समन्वय करने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी इनकी मांग को तुरंत मानना चाहिए। सरकार का कहना है कि मीटिंग करी गई और बोला गया कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे कमेटी बनाई जाएगी और बहुत सी मांगे पूरी भी कर दी गई है। नहीं, क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन अगर मीटिंग में बात मान ली गई होती तो शायद किसान यहाँ नहीं आते। और सीधी सीधी बात है कि इसमें कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें सीधा सीधा देश के किसानों को एमएसपी देने की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करके इसको जल्द से जल्द सुलझाएगी। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का कहना है कि वो सरकार से बात करना चाहते थे, वो मीटिंग हो गई, दिल्ली आ रहे हैं तो इसके पीछे कुछ और मोटिव है। देखिए, अनिल विज जी को मैं गंभीरता से नहीं लेता। वो कुछ भी बयान देते हैं और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अगर देश का किसान एमएसपी की मांग कर रहा है तो वो आज देश के किसानों की आवश्यकता है। और अनिल विज हो या इनकी सरकार के और मंत्री हो, बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं देश के किसानों के आत्मसम्मान की बात है, देश के किसानों के स्वाभिमान की बात है। तो उनके स्वाभिमान के साथ किसी भी तरह का अपमानजनक बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि इस कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर के दोषी हैं, किसानों को जो एमएसपी की गारंटी नहीं है उसमें। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी पूर्व की सरकारें हैं वो सब इसमें सम्मिलित रही हैं और वर्तमान में जो अभी 10 साल की सरकार है उनको भी इस बारे में सोचकर इस पर जरूर जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए। हमारा विरोध किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का नहीं है, हमारा विरोध नीति का है और हमारा विरोध है कि देश के किसानों की आज आवश्यकता है, उनको एमएसपी मिलना चाहिए। नहीं तो जब पहली वार्ता हुई तो अब तक क्यों नहीं बनाया गया? और इस पे सरकार को सामने आकर सबके सामने बात रखनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा सही है, एमएसपी पे कानून लाना चाहती है और कमेटी बनाना चाहती है, तो उसको जल्द से जल्द सबके सामने रखे ताकि देश के किसानों को पता लग सके कि सरकार की मंशा क्या। तो जैसे कि आज हरियाणा के बॉर्डर पे रोक लिया गया किसानों को, तो उसके आगे भी आएंगे, दिल्ली आएंगे, ये तय है? देखिए, किसान